ओके सो गाइस, अभी अपन पहुंच चुके हैं SMBT जो कि बेंगलुरु की टॉप क्लास रेलवे स्टेशन है। फुल्ली एयर कंडीशन है और ये इंडिया में तीसरे नंबर पे आती है। इससे पहले भी इंडिया में ऐसी दो रेलवे स्टेशन बन चुकी है। सो मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैंने अभी स्कूटी पार्क करके जा रहा हूँ पैदल। अंदर चल के देखते हैं आखिर क्या खास है इस रेलवे स्टेशन में जो कि दूसरे रेलवे स्टेशन में नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑटो स्टैंड वगैरह है, तो ये काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट की भी सुविधा दी गई है। और तो ये कुछ एयरपोर्ट स्टाइल का करा गया है, जैसे कि एयरपोर्ट होता है उस स्टाइल में बनाया गया है। बाकी देखते हैं अंदर जाके अंदर का क्या नज़ारा है। और यहाँ पे BMTC की बस भी आती, तो आप बस से भी आ सकते हो। तो आप देख सकते हो MF7A वो बस आ रही है, तो बस से भी आ सकते हो, कैब से आ सकते हो, अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। और वो डिस्प्ले दी गई है, अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा है। हाँ, नो पार्किंग है, पार्किंग हमने उधर ही करा था। तो ऐसा फील आ रहा है जैसे कि एयरपोर्ट में आ गया उस, सीरियसली ऐसा लुक तो एयरपोर्ट में ही होता है ना गाइस। मस्त है यार, बाकी अंदर जाके देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। ऑलराइट, सो गाइस ये देखो, ये स्कैन करके आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो। उसके लिए आपको UTS की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्ले स्टोर में। हालांकि मैंने ऐप इंस्टॉल करके स्कैन करके देख लिया पर स्कैन हो नहीं रहा है। सो ये एक डिफ, क्या ही बोलूँ गाइस, ऐसे ही नाम का बना दिया गया प्लेटफॉर्म। पहला डिफेक्ट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कि स्कैनर काम नहीं कर रहा है। अंदर जाके देखते हो और क्या खामियाँ इस रेलवे स्टेशन में। गाइस जो दिखता है एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है, ऐसा लुक तो इन्होंने बना दिया है पर फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। कैसा फैसिलिटी है यार, स्टार्टिंग से ही मुझे दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पता नहीं अंदर जाने के बाद मुझे क्या फील होगा, लेट्स सी। बट फिर भी लुक वाइज अच्छा है। और ये रही प्रवेश द्वार, आगे से भी आप एंट्री कर सकते हो। सो मैं एंटर करता हूँ और ये आप देख सकते हो वे टू प्लेटफॉर्म एंड काफ़ी कूल है। लंबी लाइन प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। मेरे साथ मेरा भाई आया है तो उसको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। और यहाँ पे मशीन भी है बट मशीन काम नहीं कर रही है। गाइस मेरी ट्रेन सेकेंड लास्ट आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, 10 बजे है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। यहाँ से मैं भुवनेश्वर जाऊँगा और मेरा भाई लाइन में लगा हुआ है और वो टिकट लेके आ रहा है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो आप एंट्री मार के देखो, ये एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एंट्री मार के आप यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो। और इन केस आपके किस्मत अच्छा हुआ, ये अगर वर्क कर रहा हो, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस निकल चुके हैं सफ़र की ओर। और यहाँ 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है। वे टू प्लेटफॉर्म 1, वे टू प्लेटफॉर्म 2 to 7 एंड दिस इज द व्यू। चलते हैं एस्केलेटर की हेल्प से ऊपर की ओर। हाँ तो गाइस कैसा लग रहा है आपको नज़ारा, आप लोग मुझे बताना। अभी हम लोगों को और ऊपर जाना है, फिर प्लेटफॉर्म 5 तक जाना है। तो अभी अगेन ऊपर जाएंगे, चलते हैं ऊपर की ओर। लुक से बस अच्छा है गाइस, फैसिलिटी के मामले में कुछ भी नहीं है यार। ना तो प्लेटफॉर्म टिकट बाहर से ले पाया स्कैन करके, और ना ही वहाँ जो मशीन लगी हुई थी वहाँ से ले पाया। तो ये टॉप पे आ चुके हैं और वो लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 2 to 7 के लिए हमें राइट जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप चाय पी सकते हो फूड कोर्ट पे।
गाइस ये आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको पैदल चलना है तो आप पैदल भी जा सकते हो। मैं पैदल ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरे को ब्लॉक करनी है, तो मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगा। तो गाइस प्लेटफॉर्म 5 पे आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हो यहाँ कोई एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं है, सो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। सो बाहर दिखावे के लिए लगा दिया गया था, पर अंदर कुछ है नहीं, सो सीढ़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। बट कोई नहीं गाइस, यार ठीक है यार। और मुझे लगता है मेरी ट्रेन लगी हुई है, हाँ जसीडी यही गाड़ी है। सो गाड़ी ये नई गाड़ी खुली है ओडिशा के लिए, एक्चुअली जाती है जसीडी के लिए बट वाया ओडिशा होके जाती है। सो ये नई गाड़ी खुली है, जब ये नई रेलवे स्टेशन खुली थी तो उसके साथ ही ये गाड़ी भी खुली गई थी। और मेरी जो बर्थ है वो B9 में, ये B6 है मेरे को। ओके उधर चलना है आगे, B9 हमारी ट्रेन खुल गई है। सो अभी कितनी बज रही है, 11 बज रही है, एक घंटे लेट गाड़ी चलने लगी। सो दुरंतो भी लगी हुई थी, दुरंतो तो खुल चुकी है, एग्जैक्ट टाइम पे खुली, और हमारी गाड़ी एक घंटे लेट है। सो देखते हैं रात को मेकअप करेगी या नहीं करेगी, वो तो बाद की बात है। बट हाँ, ये आप रेलवे स्टेशन देख लो, बहुत ही अच्छी रेलवे स्टेशन बनाई है उन्होंने। बट फैसिलिटी के मामले में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि काफ़ी कम है, जैसे कुछ मशीन्स काम नहीं कर रही थी, बट इन फ्यूचर हाँ वो काम करने लगेगी।